जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि महिलाओं से ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से घर जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा कौन सा काम है जिसे अगर घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सके। दोस्तों, अगर घर में होने लगेंगी ये गलतियाँ तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि बहुत हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और घर के सदस्यों का भी ध्यान रखे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे काम हैं जो स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। अगर वो इन कामों को करती हैं तो महालक्ष्मी कभी भी उनके घर में वास नहीं करती हैं। दोस्तों, घर की बहू और बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि स्त्री ही घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। और हमारे यहाँ औरतों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिसकी वजह से खुशहाल परिवार भी नर्क बन जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो गलतियाँ कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जिस घर की महिलाएं बैठे बैठे पांव हिलाती रहती हैं वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं, घर में तनाव होता है, साथ ही साथ घर के मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों, दूसरा, जिस घर में स्त्रियां झाड़ू को पैर लगाती हैं, पैर से झाड़ू को इधर उधर खिसकाती हैं या झाड़ू से जानवरों को मारती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। ऐसे घर में हमेशा बीमारी और परेशानी छाई रहती है क्योंकि झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगली गलती जो स्त्रियां करती हैं कि झूठे बर्तन और कढ़ाई गैस पर छोड़कर या किचन में छोड़कर सो जाती हैं। रात को कभी भी किचन में झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोने चाहिए। अगर आप किचन में झूठे बर्तन छोड़कर सोती हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अलावा, जो औरतें पैर के ठोकर से दरवाज़ा खोलती और बंद करती हैं उन औरतों से भी माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो तुरंत ये करना बंद कर दें। अगला है दोस्तों, जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठकर भोजन करती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चौखट पर बैठकर भोजन करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और जो महिलाएं ऐसे करती हैं उनसे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और उनके घर में कभी भी नहीं आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो महिलाएं शाम के समय झाड़ू लगाती हैं वो घर में दरिद्रता आने का बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि शाम को झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, अगला है, जिसके घर की महिलाएं सुबह उठकर पहले साफ़ सफाई नहीं करती उस घर में भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ़ सफाई करके दरवाजे पर पानी अवश्य डालना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह जिन घर के दरवाजे साफ़ रहते हैं उन घरों में माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहता है। इसके अलावा, औरतों को कभी भी अपने बिछुए, कुंडल, पायल नहीं उतारने चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिस घर में औरतों के पैरों से पायल की छनछन आवाज़ें आती हैं उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा बना रहता है। इसलिए पायल कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को बेवजह रात को देर तक नहीं जागना चाहिए, उनका ये कारण घर के लिए बर्बादी ला सकता है। इसके अलावा औरतों को ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए। जो औरतें अपना अधिकतर समय सोने में बिताती हैं उनसे राहु, केतु और बहुत सारे ग्रह नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए महिलाओं को सीमित समय तक ही सोना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोती है उनका घर धन धान्य से भर जाता है। खुशियाँ ऐसे उनके घर में आती हैं जैसे कि बरसात का पानी। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को पीरियड के समय रसोई घर में और पूजा कपाट के कमरों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर में अकेले रहते हैं तो आप अपने रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करें, शुद्धता का पूरा ख्याल रखें।
तो दोस्तों ये ही कुछ कार्य हैं जिन्हें महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हमेशा बना रहे। तो दोस्तों इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।